मोदी 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 जगह टकला मोदी अमीषा सब कहानी कर बीजेपी बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठा पार्टी। हिंदू मुसलमान करवा के आपस में मरवा देंगे सबको और क्या करेंगे यहाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं नंदीग्राम में। नंदीग्राम की जो जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि शोभेंदु अधिकारी जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम नंदीग्राम से जीतने जा रहे हैं। वहीं पर जो है डीडीए कह रही है कि 1,00,000 वोट के मार्जिन से नंदीग्राम जीतने जा रहे हैं। लेकिन जो नंदीग्राम की जनता है वो क्या चाहती है, नंदीग्राम की जनता नंदीग्राम से किसको जिताना चाहती है, तो मेरे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नंदीग्राम से कौन जीत रहा है और इन लोगों का मूड क्या है और पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल करूं, क्या शोभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम नंदीग्राम से जीत रहे हैं और दीदी हारेगी? शोभेंदु का जमाना जब्त होगा, ये आप पेपर में लिख लीजिए, वो जितना भी कर ले, जितना भी पैसा डाल दे, अमित शाह लाए, मोदी को घुराए, जिसको भी लाए, मत दीदी जीतेगी। अच्छा 100% 100% सही, फुल गारंटी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं। भाई वो तो बोलेगा बनाएगा, उसको 80-60-70 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। अच्छा क्या लग रहा है नंदीग्राम से दीदी या दादा? 100% दीदी जीतेगी, लेकिन वो लोग जितने हैं सब तो दोगला एक नंबर का है। आज इधर आए बंगाल में सबको बहकाने के लिए, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। रहना दीदी को हम लोगों साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग रहते हैं। शोभेंदु जो बोलता है जीतेगा, वो सबसे बड़ा दोगला एक नंबर का दोगला, वो आज जीतेगी तो दीदी जीतेगी 100% में 100%। शोभेंदु अधिकारी जो है अपना भूमि बता रहे हैं नंदीग्राम को? नहीं वो तो दीदी की भूमि है, वो पागल हो चुका है, वो पागल अमित शाह पागल सब पागल हो चुका है। क्यों कि अमित शाह ने ये कहा था वो तो दीदी नहीं सुनिए, अमित शाह ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम की फैक्ट्री है। गलत बात बोला वो गुजरात बनाना चाहता है। वो बहुत ऐसा उल्टा उल्टा बात बोलता है जो दीदी को खराब लगता है। हाँ। बहुत ऐसा बात बोला है कि हारेगी, ये होगा, वो दंगा फसाद कराने मांगता वो। हाँ। क्या लग रहा है बंगाल में? बंगाल में दीदी जीतेगी 100%। खेला होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं खेला होगा, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं डेवलपमेंट होगा। वो पगला हो चुका है, वो बहुत कुछ बात बोलेगा। बहुत कैसा खेला होगा जो हमारी जनता है, जो ये पब्लिक वीडियो आपकी देख रही है, उनको आप ये बताएं किस तरीके का खेला होगा? जनता के साथ खेला होगा या डेवलपमेंट का खेला? डेवलपमेंट होगा। और दीदी और दीदी 200 सीट से जीतेगी। अच्छा 200 सीट से दीदी 100% जीतेगी। 200 तो बीजेपी वाले जीत रहे हैं। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, पागल हो गए उन लोग। जपत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? जमाना जपत हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा जमाना जपत हो जाएगा, गांव जोड़ बर्तन नहीं रहेगा, यहाँ से सीधा खींच मार देगा गुजरात। हाँ। हाँ। तो आपको लग रहा है कि नंदीग्राम से दीदी टक्कर दे पाएगी शोभेंदु अधिकारी? बहुत खूब। टक्कर क्या देगी दीदी? दीदी से टक्कर? दीदी तो जीत रही हमारी। अच्छा दीदी जीत रही, इनका तो नाम पता उड़ जाएगा लिस्ट से, खाता खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अच्छा शोभेंदु अधिकारी तो गायब हो जाएगा, शोभेंदु अधिकारी गायब हो जाएगा, लिस्ट से गायब हो जाएगा, गांव जोड़ बर्तन नहीं रहेगा उसका, वो कहाँ जाएगा उसको खुद नहीं मालूम है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम यहाँ बंगाल में डेवलपमेंट करेंगे, बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो क्या डेवलपमेंट करेंगे यार, 15,00,000 वो तो गुजरात में नहीं किया डेवलपमेंट, यूपी में नहीं किया डेवलपमेंट, बंगाल में क्या करेंगे डेवलपमेंट? हिंदू मुसलमान करवा के आपस में मरवा देंगे सबको और क्या करेंगे यहाँ? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? 15,00,000 रुपया कहाँ गया? बैंक अकाउंट में आएगा नहीं आया? नोटबंदी करवा दिया, दुनिया भर का तो आफत मुसीबत में दुनिया का पब्लिक को डाल दिया कि पब्लिक परेशान हाल है, हर किसी का परेशानी में मुब्तला कर दिया वो। अभी नहीं आया तो ये हाल है, आदमी परेशान है, आएगा तो और परेशान कर देगा पब्लिक को। आपके अच्छे दिन नहीं आए? क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अच्छे दिन कहाँ आए? अच्छे दिन आएगा, बुरे दिन आ चुके हैं। शोभेंदु बोल। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छे दिन क्या अच्छे दिन? आप पहले ये दिखलाइए, जब डोनाल्ड ट्रंप आया जो वो बोले सोनार बांग्ला बना देंगे, पहले सोनार गुजरात नहीं बना। एक साइड में वॉल ट्रंप आया, मोदी जी आए? नहीं अभी का नहीं बता रहे, जब गुजरात में आया था मोटेरा में तो सब तरफ वॉल खड़ा कर दिया गया था कि दिखे नहीं गुजरात, गुजरात का मॉडल कैसा है,
जब गुजरात का मॉडल नहीं दिखला सक रहे तो हम लोग सोनार बंगला क्या दिखलाएंगे। हम लोग का अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आया, काला धन कहाँ चले गया कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे। विकास पागल हो गया और कुछ नहीं, मोदी जी के राज में विकास पागल हो गया, विकास पागल हो गया पूरी तरीका से। तो बंगाल में हम लोगों को ऐसा विकास नहीं चाहिए। ममता बनर्जी यहाँ पे 10 साल से ठीक काम कर रही है, हम लोगों को चेंजेस नहीं चाहिए। हम लोग पागल हो गया, विकास पूरी तरह पागल हो गया है। कैसे हुआ ही नहीं है मगर फिर भी पागल हो गया, ये मोदी जी बता सकते हैं। विकास पैदा भी नहीं हुआ, पागल हो गया, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आपको कहीं लगता है विकास हो रहा है तो हमको बताइए। आप भी तो सब तरफ घूम रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, आपको कहीं लगा ऐसा कि विकास हुआ कहीं पर ऑल ओवर इंडिया में? यहाँ पे अगर दीदी का काम जुड़ा देंगे तो सब थक जाएंगे। रूपश्री, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, द्वारे सरकार और क्या क्या बताए आपको, थक जाएगा पब्लिक, पब्लिक जान जान के थक जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं यहाँ पर सर। बीजेपी, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठा पार्टी। उन लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ करना नहीं आता है। आप कहीं देखे उन लोगों का डेवलपमेंट? आप हमको दो बता दीजिए कि ममता नहीं आएगी अब की बार 200 पार। टीएमसी का बनर्जी इंशाल्लाह 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 अब की बार 200 पार। तो बीजेपी वाले जीत रहे हैं तो देखिए, बोल के चना देखिए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना। कुछ दिन पहले हम लोग टीएमसीपी तृणमूल छात्र परिषद करने वाले, जब मुकुल रॉय से हम लोगों का मुलाकात हुआ तो वो बोल रहे हैं कि टीएमसी तो सरकार नहीं बना पाएगा, 135 से 140 आ जाएगा। वो बोले मुकुल रॉय, तो हम लोगों ने उनसे जवाब पूछा कि तो आप लोगों का 200 कैसे आएगा? तो बोले नहीं वो हम लोग देख लेंगे, जब उनको पता है कि जब उनका भी 200 नहीं आएगा तो कैसे। ये बस एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अफवाह है और कुछ नहीं। जमाना जब्त हो जाएगा। सर क्या कह रहे थे वो आपका? बोल रहे थे कि 200 सीट पार होगा। अभी तक तो उनका फुल कैंडिडेट लिस्ट ही नहीं आया। कैंडिडेट नहीं उनके पास तो कहां से बात होगा? कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं उनके पास। 5 सीटिंग एमपी को टिकट मिला भाई, कैंडिडेट कहां उनके पास? 4 एमपी, 1 राज्यसभा मेंबर, 4 और 5 को टिकट दिया गया, कैंडिडेट कहां उनका? अभी तक तो नॉमिनेट ही नहीं हुआ नीतीश। अच्छा, आपने एक आरोप लगा कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट नहीं। लेकिन बीजेपी में तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में है भाई। मिथुन को तो आज हाईकोर्ट में भी केस गया, उसका बच्चा को रेप केस में है 4 साल पहले का, वो अपना जान बचाने का चक्कर में वहाँ गया और कुछ नहीं है। जान बचाने के चक्कर में जाना, जान बचाना और कुछ नहीं है, वो तो कोबरा है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कोबरा बचा रहे थे? कोबरा है तो जिसको जिसको डसता है वो गिरगिट्टी है, दोगला है, गिरगिट्टी है। इधर पलटी मारता उधर, दीदी भी तो उसको रखे, दीदी हेल्प किए थे उसको। दिलीप घोष को डसने गया, दिलीप घोष को डस के भाग जाएगा वो। अच्छा, ये डसने के लिए गया मतलब है अपना ही दिलीप को डसेगा, वो दीदी का आदमी है। अच्छा, बाद में कौवा भी बता दिया। देखिए, जब वो लेफ्ट का सरकार था तो वो लेफ्ट में था, जब टीएमसी का सरकार है तो राज्यसभा मेंबर बना टीएमसी के तरफ से, और अब जब उसका शमशान जाने का टाइम हो गया तो बीजेपी को पकड़ लिया। कि जान रहे कि बीजेपी का भी शमशान जाने का टाइम हो गया बंगाल में, इसलिए वो बीजेपी में गया है। अच्छा, बीजेपी को डुबाने के लिए। अच्छा, उसको देख के वोट नहीं मिलेगा पता है आपको? अच्छा, ये जो भीड़ दिखला रहे हैं मिठुन को देखने के लिए, इतना सब यूपी बिहार के आदमी लोग। अरे हॉल बन हो गया, फिल्म उसका नहीं चलेगा। क्या कह रहे? हॉल बन हो गया, पिक्चर क्लोज, मिथुन भी क्लोज हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती का कहानी खत्म हो गया, मोदी जी का भी कहानी खत्म हो जाएगा, टकला मोदी हमेशा सब कहानी खत्म हो जाएगा। वो सब उसका गुजरात में चलेगा, ये बंगाल में नहीं चलेगा। मेरा बेटा खान भेजा जुगो बच्चा चलेगा, एकदम टीएमसी किसका चलेगा? दीदी 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 एकदम दीदी। बीजेपी वाले सुनिए, आप तो इतना गुस्सा मेरे सर, बोलिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दो मई दीदी गई, बस बस बस, मोदी 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 मोदी, ये सब सुनिए। खाली अफवाह उठा के रखा हम आ रहे हैं, पब्लिक को दर्शन दे रहा, वो कुछ नहीं है, सब कोई मामला नहीं है। अगर आप कल आप लोग वोटिंग देने जा रहे हैं नंदीग्राम, नंदीग्राम से कौन जीत रहा है, शुभेंदु अधिकारी या दीदी? दीदी 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 दीदी, उसको तो झाड़ू लेके मारना पब्लिक, झाड़ू चप्पल से मारना।
उसको माला पहना रहा है वही दोगला 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 पड़ोसी किसको मीर्जा पर दोगला पड़ोसी सुबिंदु सुबिंदु कौन मार रहा है वही तो पब्लिक मार रहा है क्यों बच्चा बच्चा मार रहा है दोगला है दोगला क्यों मार रहा है दोगला पड़ोसी क्यों कल बच लिया अरे वजह बताइए क्यों मार रहा है इधर आ जी ये बीजेपी में जो करवट लिया है इसलिए मार रहा है उसको उसका इज्जत था टीएमसी में उसका पब्लिक उसको चाह रहा था उसको अब मार रहा उसको जूता खोल के अच्छा हाँ वो भी फटा जूता मार रहा ओरिजिनल जो है फटा जूता मार रहा टमाटर अंडा मार रहा उसको बोलिए मालदा जाने बोलिए उसको बोलिए मालदा जाने के लिए क्या बोल रहे वो सुगंध अधिकारी को बोलिए ना मालदा टाउन में जाने के लिए मालदा जिले में अगर उसके घर में दम है तो जाने के लिए बोलिए साला पूरा दोगला गिरी करके ग्राम भूमि की बता रहे हैं कुछ नहीं कोई वो सब एक तो हमको बाहरी बता रहे हैं ओ हवा बाहर वो खुद अचूतिया वो गाड़ी क्या बोलेगा वो तो खुद बाहर का है वो जो आया हुआ से गुजरात उसका घर तो कांती में है वो तो नंदीग्राम का नहीं है उसको तो पहचान देने वाला दीदी है क्या क्या नहीं मिला शिशिर अधिकारी दिव्यन्दु अधिकारी दो एमपी दी है दीदी उन लोगों के फैमिली से एक एमएलए उसके बाद मिनिस्टर इरिगेशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और क्या जान दे देगी दीदी उन लोग दीदी की नहीं हुई तो मोदी का क्या होगा अच्छा आप लोग नंदीग्राम की जनता पूरा साथ है एकदम साथ है साथ है साथ है पूरा साथ है मिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ जो है पूरी जनता जुड़ी हुई थी और आपको बता दें कि 1 तारीख को जो है नंदीग्राम में वोटिंग होनी है नंदीग्राम से दीदी जीतेगी या सुबिंदु अधिकारी जीतेगी यहाँ की जनता ने फैसला कर लिया आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जनता जोश नजर आ रहा है नंदीग्राम मिला रखा है।